जब मैं कर्नाटका आया तो मैंने बात की कुछ लोगों से, तो 10 सेकंड में ही समझ आ गया कि समस्याएं वही हैं जो पंजाब की हैं। किसान की समस्या वही है जो पंजाब की है। हमारे यहां गन्ने की खेती होती है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार, अभी साल नहीं हुआ, 16 मार्च को साल होगा, हमने गन्ने के उत्पादकों का 300 करोड़ रुपया जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया था, आते ही सबसे पहले वो दिया, और गन्ने का रेट 380 रुपए क्विंटल है पंजाब में। देश में सबसे ज्यादा रेट पंजाब में मिलता है, और मुझे पता चला यहां पे तो 200, 180, 220 तक मिलता है। और हमारी भी जो गन्ना मिले हैं वो कई कई साल पैसे नहीं देती थी, यहां भी यही हाल है। तो समस्याएं हमारी वही है। मुझे पता चला 2.5 लाख वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, 2.5 लाख पद खाली हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी एक साल में 27,790 नौकरियां देकर आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब, सरकारी नौकरियां एक साल में। और मुझे पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट पर जितने भी कर्मचारी हैं वो कच्चे हैं, उन पर तलवार लटकती है, कब निकाल देंगे, कब कह देंगे घर जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। और पंजाब सरकार ने 14,000 पहले किए, अभी हमारा बजट का सेशन आ रहा है उसमें भी मत आ रहा है, 14,000 अब करेंगे, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट वाले जो मुलाजम थे कच्चे, उनको पक्के करके आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब। कोई हवा में बातें नहीं करते हम,